फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इन्फॉर्मेशन सोसाइटी। दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन सोसाइटी, है क्या ये इन्फॉर्मेशन सोसाइटी। सबसे पहले मैं इसका बेसिक मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। इन्फॉर्मेशन का मतलब जानकारी, सोसाइटी मीन्स समाज, एक ऐसा समाज, एक ऐसी सोसाइटी जिनके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, यानी कि उनके पास हर प्रकार की जानकारी है। वो जानकारी आपकी पॉलिटी से रिलेटेड हो सकती है, आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकती है, आपकी कल्चर से रिलेटेड हो सकती है। मींस जानकारी ही आपको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या कल्चरल पर्सपेक्टिव से स्मार्ट बनाती है। तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी की वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है, बट आई हैव टेकन वन ऑफ देम अकॉर्डिंग टू ब्लेज क्रोनिन। तो ब्लेज क्रोनिन क्या बताते हैं इन्फॉर्मेशन सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर लेबर को इंटेलेक्चुअलाइज्ड बनाया जाता है। मीन्स उनको सिखाया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स गेन करके अपने काम को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इन विच द एक्सप्रेशन टू अर्न वंस डेली ब्रेड बाय द स्वेट ऑफ वंस ब्रो साउंड डिसाइडेडली एनाक्रोनिस्टिक। मीन्स अगर आप इन्फॉर्मेशन सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पर लोग अगर इन्फॉर्म्ड हैं, उन्हें अगर हर चीज़ के बारे में जानकारी है जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं, तो उनको अपनी पहचान बनाने के लिए, कुछ अर्न करने के लिए उतना ज़्यादा स्वेटिंग नहीं करना पड़ेगा जितना पुराने टाइम पे लोगों को करना पड़ता था। मीन्स अगर मान लीजिए आप एक फार्मर हैं और आपको पता है कि मिक्स फार्मिंग कैसे करनी है या फिर मल्टीपल क्रॉपिंग कैसे करनी है, तो अगर आप इन्फॉर्म्ड हैं, उसके बारे में आपको जानकारी है, तो ना तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, ना ज़्यादा आप फर्टिलाइजर्स वेस्ट करेंगे, ना आपका हार्डवर्क बेकार जाएगा। मीन्स यू आर वेल इन्फॉर्म्ड एंड अब हम ये तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि इन्फॉर्मेशन सोसाइटी मतलब उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। अगर नहीं करती तो हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग क्यों होती, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन क्यों बनाया जाता। तो मींस इन्फॉर्मेशन हैज सम मैजिकल रोल इन आवर सोसाइटी, क्रिएट किया जाता है। यू आर मेकिंग समथिंग, यू आर क्रिएटिंग एन इन्फॉर्मेशन फॉर द पीपल, जनरल लोगों के लिए आप इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हो। तो अपने आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन बना रहे नहीं, इवेंट होना चाहिए, कोई इंसिडेंट होना चाहिए, उसका इन्फॉर्मेशन आप क्रिएट करेंगे। देन इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो गई, फिर क्या करें, लाइब्रेरी में सेट कर दें ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए इन्फॉर्मेशन को। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करें, डिफ्यूजन के तरीके से, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने अपर लेवल पे ही उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करा दिया। नाउ यू हैव टू डिफ्यूज दिस इन्फॉर्मेशन, मीन्स यू हैव टू स्प्रेड दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। इट शुड रीच टू द पीपल, इट शुड रीच टू द पब्लिक। नाउ इट हैज़ रीच टू द पब्लिक, नाउ अब लोग क्या करेंगे उस इन्फॉर्मेशन का, दे हैव टू यूज़ इट, मेक द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ बीन रीच टू यू। नाउ यू इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है, आपने उसको पता कर लिया भाई ऐसे ऐसे इसका इस्तेमाल होना है, यू हैव टू इंटीग्रेट वेरियस इन्फॉर्मेशन टू मेक समथिंग गुड। एंड मैनिपुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, आप इन्फॉर्मेशन का मैनिपुलेशन भी सोसाइटी में देख ही सकते हैं कि होता है बहुत हद तक। इस सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एक्टिविटी, तो ये सारी की सारी जो अभी तक हमने ऊपर एक्टिविटी पढ़ी, दे आर रिलेटेड टू आर इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड कल्चरल, एंड दे आर कंसिडर्ड एज एक्टिविटी ऑफ दीज एरेनाज। नाउ इन्फॉर्मेशन सोसाइटी जो है, इतना चेंज हो रही है हमारी सोसाइटी को, उसने इतना चेंज कर दिया, तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न भी होंगे कि आखिर ये इन्फॉर्मेशन सोसाइटी बन गई और इसने हमारी सोसाइटी को एक बहुत हद तक इम्पेक्ट किया है। तो ये किसकी वजह से हुआ, दिस इज़ बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन इकोनॉमिक पैटर्न, चेंज इन ऑक्यूपेशनल पैटर्न, चेंज इन कल्चर, और हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन हो गया, इकोनॉमी या ऑक्यूपेशन का कॉम्बिनेशन हो गया, कल्चर या टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन हो गया। मीन्स इन सारे फैक्टर्स की वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में ये रैपिड चेंज आया है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी का जो फॉर्म है, हम पहले कहाँ एग्रेरियन हुआ करते थे, एग्रेरियन से हम इंडस्ट्रियल पे आए, इंडस्ट्रियल से अब इन्फॉर्मेशन सोसाइटी तक आ चुके हैं। तो इन फैक्टर्स की वजह से ये चेंजेस बहुत हद तक आए हैं। अब इन्फॉर्मेशन सोसाइटी को किससे कंट्रास्ट किया जाता है, इन्फॉर्मेशन सोसाइटीज ऑफन कंट्रास्टेड विद सोसाइटीज़ उन सोसाइटी के साथ जो कि जनरली या तो प्राइमरीली इंडस्ट्रियल हैं या फिर एग्रेरियन हैं। तो इन्फॉर्मेशन सोसाइटी, जैसे कि हम देख सकते हैं पुराने टाइम पे इंडिया का कंपैरिजन हम अमेरिका के साथ या फिर किसी अदर यूरोपियन कंट्री के साथ करते थे,
सिमिलरली तो यहाँ पर भी ये कह रहा है कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी को जनरली इंडस्ट्रियल या एग्रेरियन सोसाइटी के साथ कंपेयर किया जाता है। जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है उसने हमारे पुराने स्ट्रक्चर्स को फ्लेक्सिबल बनाया। पुराने स्ट्रक्चर जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराने के लिए पहले डोर टू डोर जाना पड़ता था, बट नाउ वी हैव नेट, इंटरनेट है हम सबके पास, तो हम थ्रू एक सिंगल ट्वीट के थ्रू आप लोगों तक एक मैसेज पहुंचा सकते हैं। मीन्स आप जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैं फ्लेक्सिबल हो गए हैं। अगर आपको किस कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन निकलवानी है तो यू कैन सबमिट योर RTI ऑनलाइन। नाउ इट मीन्स दैट इंफॉर्मेशन सोसाइटी हैज़ मेड ऑल दीज स्ट्रक्चर्स वेरी फ्लेक्सिबल दैट दे आर रेडिली अवेलेबल टू यूज़। दे आर नाउ पार्टिसिपेटरी एंड डिसेंट्रलाइज। पार्टिसिपेटरी मीन्स देयर इज इक्वल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो। दिस हैज़ बिकम डिसेंट्रलाइज मीन्स नाउ पीपल आर इन्फॉर्म्ड, पीपल आर वेल अवेयर दैट हाउ टू यूज देयर इंफॉर्मेशन एक्ट। So that's why we can say that it has become decentralized. Decentralized because information को आप बांट भी तो रहे हो, एक जगह इकट्ठा नहीं है information की आपने बुकों में सेट कर दिया और बुक्स को सेट कर दिया, नहीं, information को अब स्प्रेड किया जा रहा है, डिफ्यूज़ किया जा रहा है। हमने पढ़ा था ना अभी जस्ट पीछे कि information को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिफ्यूज़ किया जाता है। सो इन्फॉर्मेशन सोसाइटी इज डिसेंट्रलाइज सोसाइटी। डिसेंट्रल मतलब एक सेंटर नहीं है, सेंटर से बाहर 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 जा रही है, लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। मीन्स लाइक आई हैव सम इन्फॉर्मेशन एंड आई हैव, मैंने उसको पूरा ग्रुप में शेयर कर दिया, लोगों को बता दिया, तो इसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइज। और इसका जस्ट अपोजिट सेंट्रलाइज मीन्स मैंने कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन को मैंने किसी को भनक ही नहीं लगने दी, तो दैट इज सेंट्रलाइज सोसाइटी, बट वी आर डिसेंट्रलाइज। Now it is a well-known fact that information is power. ये तो पता ही है, information शक्ति है। अगर आपके पास information है तो आप तो कमाल कर सकते हो। The free flow of information ensure equality. और अगर आपके पास free flow of information आ रहा है, means information without any restriction आ रही है, it means that कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई middle income group का बंदा है, कैसा भी है, means इन्फॉर्मेशन का फ्री फ्लो हो रहा है सोसाइटी में एंड वी ऑल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी हाउ टू यूज इट, हाउ टू यूटिलाइज इट, हाउ टू मेक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इट, सब आपके हाथ में है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन ने इंश्योर किया है दैट इट इज़ प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। नाउ इन्फॉर्मेशन ठीक है मिल गई, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल गई, डज इट अफेक्ट अस ओनली? नो, इन्फॉर्मेशन अफेक्ट द पॉलिटी। इन्फॉर्मेशन पॉलिटी को अफेक्ट करती है, इकोनॉमी को करती है, कल्चर को करती है, तो मींस इसका अफेक्ट हर एक एरिना में देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो बंदों को वो अफेक्ट कर रही है, नो। इट इज सिंपल एंड क्वाइट क्लियर दैट इन्फॉर्मेशन इज नीडेड फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी वी परफॉर्म इन आर डे टू डे लाइफ। सब्जी कैसे पकानी है, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पकेगी नहीं। Information society are characterized by high degree of computerization, large volume data transmission. तो generally हम बोलते हैं कि information society कैसी है, जिनके पास internet है, computer है and so उनके पास बहुत सारा data है और वो उसको transmit करते हैं from one place to another. तो overall हम कह सकते हैं कि information society is an aware society. With this I'll conclude information society here. Thank you.